अग्रवाल है। हाँ ले लिया। मैं नौ प्रभात कृति महिला हेल्पलाइन में काम करती हूँ और हमारा एनजीओ है नौ प्रभात महिला हेल्पलाइन। ठीक है, तो आप लोग अकेले भी कहीं जाते आते हैं? आप लोग गुट्टर बैठकर जानते जानते हैं? आप लोग को कोई प्यार करता है तो आप उसको क्या कहेंगे? जब आपको कोई प्यार करता है, आपको प्यार से कोई टच करता है, एक इधर आओ चल, जैसे आपके सिर पे ऐसे हाथ करके ऐसे करके कोई टच करता है आपको, तो आपको कैसा फील होता है? अच्छा फील होता है। और कोई अगर ऐसे फील करे, ऐसे करे, तो कैसा लगेगा आपको? कैसा लगेगा? बैड टच, इसको कहते हैं बैड टच। अगर आपको हर की बॉडी में, हर की बॉडी में किसी के भी, अगर आपको कहीं पर भी ऐसे चार पार्ट्स ऐसे होते हैं जो कोई भी टच नहीं कर सकता, अगर वो टच करे तो आप उसको मना कर सकते हैं और डांट दीजिए उसको कि कोई भी टच नहीं करेगा। वो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं, उनको कोई टच नहीं कर सकता। ठीक है, और एक डॉल जैसे होती है, डॉल का फ्रंट पोर्शन, बैक पोर्शन और उसके गाल कोई भी टच नहीं कर सकता, उसका बैक कोई टच नहीं कर सकता। ठीक है, और उसका बिटवीन द लेग कोई पार्ट कोई टच नहीं कर सकता। ओके, इसमें हंसने की कोई बात नहीं बच्चों, इस बात को समझो, हर एक समझो, समझे, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कोई भी टच करेगा तो आप लोग बिल्कुल मना करेंगे, चाहे वो लड़के हो चाहे वो लड़की हो। लड़कों के लिए भी बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार और अत्याचार बहुत हो रहा है। ये क्या होता है यहाँ पर, बच्चों को ये बात समझ में नहीं आता है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है जानना कि बच्चों का कोई भी बैड टच अगर करता है तो आप उसको मना करिए, अगर गुड टच करता है तो आप उसको, ये कौन होते हैं जो गुड टच वाले होते हैं बताइए? आपको प्यार से कौन टच करता है? आपके पेरेंट्स, नाना नानी, दादा दादी, इन लोगों को अधिकार है केवल आपके प्राइवेट पार्ट्स टच, बाकी किसी को भी अधिकार नहीं है कि आपके कोई प्राइवेट पार्ट टच करें। और दूसरी बात, आप लोग शेयर करिए, सबसे पहले आपके पेरेंट्स होते हैं टीचर्स, आप टीचर से जरूर हर बात शेयर करें। ठीक है, या पेरेंट्स से, अगर आप शेयर नहीं करेंगे तो आपकी बात कैसे किसी को पता लगेगी? किसी से जाकर अगर नहीं बताएंगे, जैसे आप लोगों को डर लगता है अगर उनको टच कर दिया और सुने हम कैसे कहें किससे कहें, तो ये मत सोचिए, अपना जरूर जाके पेरेंट्स को बताना बहुत ज़रूरी होता है। पेरेंट्स को बताइए अपने या अपनी टीचर को बताइए। ठीक है, पेरेंट्स को बताइए कि इस लड़के ने हमको मारा, जैसे आप लोग बड़े हो गए हैं, आप लोग बड़े हो गए हैं, बड़े लोग मिसगाइड करते हैं बहुत सारे लोग कि चलो हम तुमको यहाँ ले चलेंगे, तो आप लोग मिसगाइड मत होइए। बहुत सारे ड्रग्स का काम भी करते हैं, वो ले जाएंगे आप लोग बड़े जैसे बच्चे, छोटे बच्चों को घुटना पड़ता है और बड़े बच्चों के लिए ड्रग्स वगैरह आते हैं। ठीक है, इस चीज़ पर आप लोग ध्यान रखिए, कभी भी कोई भी शिकायत हो अपने पेरेंट्स से कहिए, अपने टीचर से कहिए और उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करिए। ठीक है, और जैसे आप लोग लिफ्ट पर जाते हैं तो लिफ्ट में क्या करना चाहिए? लिफ्ट में जाने के लिए सबसे पहले अगर अकेले जा रहे हैं तो सारे बटन दबा दिए, जितनी भी आपकी स्टोरी है 10 स्टोरी है 10 बटन लगा। तो अगर आपके साथ कोई भी लिफ्ट में अगर होगा तो हर फ्लोर पे लिफ्ट रुकेगी, आप उधर चल दो। अगर आपको लग रहा है कोई प्रॉब्लम लग रही है उसके साथ तो आप उधर और वहाँ पर उस फ्लोर पर शिकायत करें। ठीक है, और जैसे लड़कियाँ बड़ी हो रही हैं उन लोगों को अपने पर्स में क्या रखना चाहिए? पर्स में रखना चाहिए मिर्च पाउडर। कोई भी अगर बदमाशी करता है, चाहे लिफ्ट में जा रहे हों, चाहे आप टैक्सी में जा रहे हों, चाहे आप रिक्शे में जा रहे हों, कैब में जा रहे हों, एक मिर्च पाउडर रखिए और एक जैसे ये करते हैं चुन्नी रहती है किसी के पास, चुन्नी आप दुआई ऐसे पकड़ लें और उसको खींच दीजिए। अगर कोई बैड टच आपको कर रहा है तो आप डरिए मत, आप उसको विरोध करना सीखिए। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आया? आया, चलो गुड। और क्या बताना है? टैक्सी में जा रहे हो तो नंबर नोट कर लीजिए टैक्सी का पीछे से, हर एक नंबर नोट करना बहुत ज़रूरी है। वो नंबर किसको करिए सेंड कर दीजिए, अपने पेरेंट्स को सेंड कर दीजिए,
और छोटे छोटे बच्चे अगर टैक्सी में जा रहे हों तो नंबर नोट करके और अपने पेरेंट्स को बता देंगे या यहाँ जो टीचर होते हैं उनको बता देंगे पुलिस टैक्सी में। और वैसे भी टीचर को ख्याल रखेंगे ही, लेकिन फिर भी बताना जरूरी है, ठीक है। अपना नाम, अपना एड्रेस हमेशा बैग में रखें कि कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो, एक फ़ोन नंबर, किसी का भी फ़ोन नंबर अपने बैग में जरूर रखें। अपने टीचर का रखिए या अपने पेरेंट्स का, ठीक है। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए, और किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं है कोई प्रॉब्लम? हाँ बताइए, कोई प्रॉब्लम? मैंने आज अहमदाबाद में दिशा मोह स्कूल में एनजीओ से जो चालित है उस स्कूल में मैंने आज कार्यशाला ली। बहुत प्यारे बच्चे थे और टीचर्स सब हेल्पिंग नेचर, बहुत अच्छे लोग थे और बहुत अच्छा लगा क्लास लेने में। और मुझे भी बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर और यहाँ की क्लास लेकर। और बच्चों को मैंने गुड टच बैड टच के बारे में, लिफ्ट के बारे में, मिर्च पाउडर के बारे में और टेम्पो टैक्सी वगैरह के बारे में जानकारी दी है। और अगर बच्चों को डर लगता है तो बच्चों क्या करोगे, जोर से चिल्लाओगे। अगर कोई भी तुम लोगों पर टच करता है कैसे चिल्लाओगे? जोर से, जोर से चिल्लाएंगे। और सब बच्चे बहुत अच्छे थे, बहुत कैसा लगा बच्चों तुम लोगों को? थैंक यू। नव प्रभात एनजीओ से आप लोगों का हार्दिक स्वागत है यहाँ विषमों में। और हमको बहुत अच्छा लगा जो मुर्दुला में हम चलाती है, तो आप सबका धन्यवाद। हम लोगों की इच्छा है कि आप लोग वापस फिर से आए और हमारे बच्चे को नई नई गाइड दीजिए। धन्यवाद।